तो कोल इंडिया की फाइनेंशियल या 2023 की थर्ड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कोल इंडिया ने अपनी इन्वेस्टर्स के लिए एक इंट्रीम डिविडेंड भी अनाउंस किया है तो गैस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिज़ल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे तो गैस बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो कोल इंडिया की फाइनेंशियल या 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड ऑडिटेड स्टैंडल ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहां पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं सो डिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 9366.81 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड डिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्समेटली थ्री थाउजेंड करोड का इनकम जनरेट किया था एंड डिसम्बर ट्वेंटी की क्वार्टर में अप्रोसीमेटली फिफ्टी 2 .2 का इनकम। के क्वार्टर 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 में में कोल इंडिया ने केसेस में, मतलब ऑन ऑन बेसिस बेसिस पे ER पे ईयर दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसिस के बारे में बात करें तो डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ने अप्रोक्सीटली फोर एटी थ्री पॉइंट का खर्चा किया है एंड 2021 ट्वेंटी ट्वेंटी में का खर्चा इस कंपनी ने किया था तो अभी अगर यहां से इन तीनों आ रही है अप्रॉक्सिमेटली एटी नाइन पॉइंट एंड डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली नाइनटी सिक्स पॉइंट सिक्स वन परसेंट के, के, के आसपास

कोर्स का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में एप्रोक्सिमेटली 5644.83 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 के टू ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 14.29 की सितंबर 2022 के टू ई वैल्यू निकल के आ रही है 4.37 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 9.16 की तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोल इंडिया ने डिसंबर ट्वेंटी के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है इन ऑन बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है सो एट द एंड ऑफ द डे कोल इंडिया ने डिसंबर 20, 2022 के क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है तो अभी अगर इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करें तो कोल इंडिया के इन्वेस्टर्स को पाँच रुपये पच्चीस पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है पर शेयर एंड दी रिक्ड डेट फॉर दिस डिविडेंट इज एट फिफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मतलब एक डिविडेंड डेट है सेवेंथ को एंड अगर आप लोगों को ये पाँच रुपये पच्चीस पैसे का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट भी सेवन्थ को ही है क्योंकि अभी सेटलमेंट पीरियड टी प्लस वन हो चुका है लेकिन मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ डिविडेंट के लालच में आकर आप लोग स्टॉक को बाई करो बाकी अगर शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान चल रहा था तो आप लोग डेफिनेटली सात तारीख से पहले बाई कर सकते हो अगर आप लोगों को ये पांच रुपए पच्चीस पैसे का डिविडेंड चाहिए तो ही अदरवाइज लिव इट तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ